जाने के बाद कुछ देर हमने भाई रेस्ट किया और अभी 10 बज रहे हैं और अभी कुछ खाने के लिए हम मार्केट में निकल लिए हैं भाई। आगे दोनों भाई हैं ये, वो एक सो रहा है वहीं पे और यहाँ पे एक पंजाबी वैष्णो ढाबा है भाई बस स्टैंड के पास में ही। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। आज हम ना एक नए लद्दाख की खोज करने लग रहा हूँ। ये देखो आए बेटे डॉगी, अब पता हमें भी नहीं यहाँ है क्या, बाकी चढ़ रहे हैं इस पहाड़ पे। ये देख यार ये नजारे देख, इधर ट्रैकिंग करके आए तो भाई उसके बाद में हमें देखो ऐसा कुछ सीन देखने को मिला है ले सिटी का। और यहाँ पे जो वो साइड है हाँ मोरा वो तो है भाई ले पैलेस और वो शायद वो शांति स्तूप है, तो वहाँ का भी करेंगे प्लान, इवनिंग में देखेंगे किधर निकलेंगे। ओके व्यू देखो आप जबरदस्त है, सोच रहे हैं इस पहाड़ी के ऊपर चले जाएंगे, देखते हैं। तो भाई बहुत बहुत कड़ी हवा चल रही है और ये यहाँ पे ना एक पहाड़ सा है इसका कुछ स्तूप टाइप में है, तो भाई वहाँ पे चली गई मतलब वहाँ जाने का प्लान था, लेकिन भाई अपने दो भाई हैं वो भाई वापस जा रहे हैं तो हम भी चले जाएंगे। और यहाँ से आप नज़ारा देखो यार वहाँ का, हम बिंदास पूरे हो गए यार शुरू बहुत ज़्यादा खूबसूरती। तो भैया अभी काफ़ी देर ना वेट करने के बाद जो पोस्ट पेड वाले भाई जो एक लड़की है जिसकी मतलब ये शॉप है तो यही पे आती है, मतलब पोस्ट पेड की सिम देती है, तो भाई अभी फ़ोन करके उसको बुलाया है तो अभी भाई सिम का काम करवा रहे हैं अपने यहाँ से। एक पोस्ट पेड की सिम लेते हैं, एक भाई को अपने लव भाई को लेनी है और एक भाई अपने को लेनी है जो ले एक मिनट का 28 दिन तक। उसमें क्या क्या 1.5 GB पर डे और ये मतलब ये इसी एरिया में चले गया फिर ऑल इंडिया वाले थे। अच्छा ओके बस फिंगर नहीं है ना, तेरे फिंगरप्रिंट गए इधर है के बाद 10 वाला कच्चे कर देने तो है। में कैसे रहते हो आप लोग यहां पे आधा छोड़ देना, सर्दियों में इतनी सर्दी रहती है या फिर नहीं भाई क्या नाम है तेरा नंबर बता यार, तेरे पास चालू है ना चालू वाला नंबर है बोलो ना, सेकंड नंबर। अरे भाई फोटो फाटो उतरवानी हो तो आ जाइयो, बैकग्राउंड तैयार कर रखा है। बस बस है रिश्ता नहीं करवाना भाई, सिम लेनी है तेरे को।